अगर आप कम समय में टॉपर की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि देखो आज सबसे कम समय यानी 3 से 4 घंटे पढ़ के भी आप टॉपर बन सकते हैं, इतनी गारंटी मैं लेकर चलता हूँ। और हमेशा के अनुसार 10 गो 20 गो तरीका नहीं बताऊंगा, आज मात्र 3 तरीका बताऊंगा, वो भी 3 से 4 घंटे रोज आपको पढ़ना है और 100% टॉपर की गारंटी मैं लेकर चलूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत खतरनाक होने वाला है। देखो वो अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, कम समय में तैयारी करना चाहते हैं, तो पहला आपको काम करना पड़ेगा, आपके पैटर्न को समझना पड़ेगा, सिलेबस को समझना पड़ेगा कि आखिर आपके एग्जाम में कौन कौन सा प्रश्न करता है, दो नंबरिया को वो प्रश्न करता है, ऑब्जेक्टिव को वो प्रश्न करता है, 5 नंबरिया को वो प्रश्न करता है। देखो ये पैटर्न समझना जरूरी है, आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, बिहार से लेकर झारखंड से लेकर यूपी से लेकर महाराष्ट्र से लेकर यूके से लेकर झारखंड से लेकर एमपी से लेकर राजस्थान से लेकर किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं बाबू ना, तो पहले वहां का पैटर्न समझो। जैसे बिहार बोर्ड की बात करते हैं, बिहार बोर्ड में 3 कैटेगरी के प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव, दो नंबरिया, 5 नंबरिया, 3 कैटेगरी के। अब हर बोर्ड में अलग अलग कैटेगरी के प्रश्न आते हैं, तो पहले देख लो पैटर्न को समझ लो कौन कितना प्रश्न करता है। जैसे बिहार बोर्ड वाले बच्चे के लिए ऑब्जेक्टिव करता है, तो बिहार बोर्ड वाले बच्चे करेंगे 1 घंटा ऑब्जेक्टिव पर रोज टाइम देना है। दो नंबरिया प्रश्न करता है, 1 घंटा रोज दो नंबरिया प्रश्न पर टाइम देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद करना दो नंबरिया। और 5 नंबरिया प्रश्न करता है तो रोज आधे घंटे या 1 घंटा 5 नंबरिया प्रश्न पर भी टाइम दीजिए, अरे 3 घंटा टाइम देंगे ना तो याद रखिए आपका 100% क्वेश्चन लड़ जाएगा। अगर 3 महीने भी आप ऑब्जेक्टिव पर दो नंबरिया पे 5 नंबरिया प्रश्न पर 1-1 घंटा टाइम देते हैं ना, सारा क्वेश्चन लड़ जाएगा आपका, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये आपको पैटर्न के अनुसार तैयारी करना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यानी 3 घंटे आप टाइम देंगे तो पैटर्न आपका तैयारी हो जाएगा। और आप हर बोर्ड के बच्चे ऐसे ही पैटर्न को समझ लेंगे, उसके अनुसार अपना टाइम देना शुरू कर देंगे, उसके अनुसार अपना काम करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट, मान लो जो कोई मॉडल सेट है या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, उनसे जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है उनका नोट्स बनाइए। आपका किताब है, किताब से जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको वो क्या करना, नोट्स बनाना है। तो 1 घंटा रोज आपको इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स बनाने पर ध्यान देना है। उसके बाद अपनी राइटिंग और राइटिंग स्पीड मेंटेन करना, राइटिंग मतलब आपकी राइटिंग सुंदर कर लेनी है, और लिखने का स्पीड भी आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन लिख रहे हैं तो एग्जाम में आधे घंटे तक एक एक क्वेश्चन लिखने में टाइम लगा दिए, तो ऐसा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, टॉपर नहीं बन पाएंगे। तो 3 से 4 काम देखो, इसमें 3 घंटा आपको टाइम देना है पैटर्न में, ऑब्जेक्टिव दो नंबरिया 5 नंबरिया, ठीक है, और 1 घंटा रोज क्वेश्चन बनाने पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स बनाने तैयार कर ध्यान देना है। और जब नोट्स बनाएगा तो आपको सुंदर राइटिंग और राइटिंग स्पीड करके लिखना है, यानी 4 घंटे में आप टॉपर बनेगा। और ये तीन तरीका जो है यार बैठ आपको टॉपर बना के रहेगी, याद रखिएगा। इसके अलावा कोई और तरीका आपको सिंपल में नहीं बता सकता, पैटर्न को समझो, पैटर्न के अनुसार टाइम सेट करो और देखो टॉपर बनने से कौन रोकता है। दूसरी बात है, आपका मॉडल सेट हो गया, किताब हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया, उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाटना शुरू कर दिए, आपको टॉपर बनेगा। उसके साथ साथ राइटिंग सुंदर कर लीजिए, राइटिंग आपका स्पीड होनी चाहिए, ये काम करना शुरू करिए, आप टॉपर बन जाएंगे। चलिए ये तरीका आपको कैसा लगा, इस वीडियो को हर जगह भारत के हर कोने तक मेरी आवाज पहुंचाइए, ताकि सारे बच्चे इस तरह से टॉप की तैयारी कर सके। जितना जल्द से हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, आपकी तरफ फैलाइए। यदि आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, वहां से आए संपर्क करिए। यदि आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है तो मुझसे बेहिचक पूछे, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा हर चीज में। तो इस वीडियो को भारत के हर कोने तक फैला दीजिए। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।